ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको बताते चलें कि ललितपुर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नवीन गल्ला मंडी के आसपास इलाके के हाईवे किनारे बगैर लाइसेंस के इमारती पत्थर का गोरख धंधा खनन विभाग की मिलीभगत से खूब फल फूल रहा है और लोग रातों रात लखपति बनने के चक्कर में इस गोरख धंधे में पूर्णता जी जान से रात दिन लगे हुए हैं। लेकिन सरकार को राजस्व का कितना नुकसान पहुंच रहा है यह कभी संबंधित विभाग ने अंदाजा भी नहीं लगा होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश राजस्थान के अलावा भी कई प्रांतों से यह इमारती पत्थर लाया जाता है। न ही इसका टैक्स जमा किया जाता है, न ही रॉयल्टी जमा की जाती है, जिससे सरकार को लाखों करोड़ों राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। चूना जिसकी शिकायत रामनगर मोहल्ले वासियों ने जिलाधिकारी से की और कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान से माल मंगवा के अवैध तरीके से पत्थर। ये हमारा नाम अंकित है जी। और यहाँ पे हम डीएम साहब के विज्ञापन देने आए हैं कि यहाँ पे जो नवीन गल्ला मंडी के पीछे जीवन जैन है वो पत्थर इमारती पत्थरों के विक्रेता वगैरह हैं, वो अवैध रूप से पत्थर वगैरह खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, अलग अलग राज्यों से मंगाते हैं ये पत्थर वगैरह पूरा और बेच रहे हैं। ना तो रॉयल्टी देते हैं, ना टैक्स वगैरह देते हैं, लाइसेंस वगैरह की उनका कोई वो है नहीं, और कब जब जब आप करके बैठे हैं। ये लोग पहले भी एक दो बार कार्रवाई के लिए किए हैं लेकिन कुछ हुआ नहीं, इसलिए आरडीएम सब फिर से आए हैं हम लोग। हरम कुरी इनका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं? नहीं, लाइसेंस कुछ नहीं है इनका, लाइसेंस वगैरह ना रॉयल्टी टैक्स वगैरह कुछ दे भी नहीं रहे हैं लोग। क्या वहाँ अवैध ज़मीनों पर कब्जा भी किया जा रहा है? हाँ, ये अवैध ज़मीन कब्जा भी कर रहे हैं। आसपास की ज़मीनें दवा की भी रखी हुई हैं।